तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। केसीआर के बेटे केटी रामा राव ने राहुल के बारे में क्या कहा है? आगामी लोकसभा और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में टीआरएस और कांग्रेस एक नए मामले को लेकर आमने सामने हैं। दरअसल टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के बेटे और प्रदेश के आईटी मंत्री केटी रामा राव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केटीआर ने कहा कि मैं 42 साल का हूं और पिछले एक दशक से राजनीति में हूं। मैंने 2006 में टीआरएस ज्वाइन की थी और 2014 तक तेलंगाना के लिए आंदोलन चलाया। मैं मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का बेटा जरूर हूं, लेकिन मैंने जमीन पर काम किया है और 3 बार से विधायक हूं। कोई बैकडोर एंट्री नहीं ली, लोगों ने मुझे वोट दिया है। केटीआर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब अगर मैं बच्चा हूं, मुझसे 3 साल बड़े राहुल गांधी क्या है। भले ही मुझे मेरे पिता की वजह से चुना गया, लेकिन उनके परिवार की राजनीति तो उनके परदादा मोतीलाल नेहरू से शुरू होती है। मैं आंदोलन में जेल गया हूँ, क्या वो भी गए हैं? राहुल गांधी के पास वंश के अलावा कोई योग्यता नहीं है। वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द कराने के सवाल पर राव ने कहा कि लोग हमारे पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हैं। चुनाव चाहे जब भी कराए जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हमें 100% जिताएंगे। जब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने एक बयान में राज्य के आईटी मंत्री केटी रामा राव को राजनीति में बच्चा कहा था। रेड्डी ने अपने बयान में ये भी कहा था कि सीएम चंद्रशेखर राव का परिवार को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पिछले 4 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका केटीआर ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।